हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए क्या लगा है, गोबर लगा है और मैं घर की लिपाई कर रही हूँ। देखिए गोबर से पूरा घर, क्योंकि बुधवार से 14 तारीख लग जाएगा और 14 जनवरी तक ये गोबर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खरमास चढ़ जाए। खरमास में 1 महीने तक गोबर नहीं डाला जाता है हिंदू धर्म में। तो इसलिए मेरी सासू माता जो हैं वो बताई कि ये सब कर लेना, मैंने नहीं पड़ेगा। घर भी खराब हो गया है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है घर। कोई आएगा जाएगा तो क्या बोलेगा कि क्या करिए, घर की सफाई भी नहीं कर रही है। तो इसलिए मैंने सारा कर लिया, बस एक ही घर रूम बाकी है, उसी में करना है हमको। तो इसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि लग रहा था कि गोबर कम होगा, इसीलिए तो एकदम हाफ जा रही हूँ। हमको एकदम हाफनी जैसे बीमारी हो गया है। काम कर रही हूँ तो मैं हाफ जाती हूँ। आप पूरा ज़्यादा घर है तो लिपाई पुताई करना रहता है, तो इसलिए 4 बजे का उठी हूँ। सुबह सुबह 4 बजे का उठी हूँ, ताकि इधर से चलती हूँ। 4 बजे उठी हूँ क्योंकि बाहर देखिए घर। 4 बजे उठी हूँ क्योंकि सुबह से उठ करके ये मुझे उठाया कि काम कर लो अपना, क्योंकि सुबह से उठ बाहर लेट हो जाएगा, तुम्ही को लेट होगा। 9 9 हमको लग रहा है बज रहा है, बोले कर ले। तभी से यस लगी कि स्कूल भेज के फिर मैं इस पर तुरंत ही कहाँ लग गई। खाना खाना क्या, दाल उल मैंने बना दिया, नाश्ता मैंने बना दिया। ये लोग रहते नहीं है ना तो हमको दिक्कत नहीं रहता है। जिस दिन रहते हैं संडे को रहते हैं लोग, तो हमको समय से उनको नाश्ता खाना पानी सब देना से तो नहीं हो पाता है। ये लोग सुबह हम लोग भे हम भेज देते, ये भी चले गए, ये दोनों चले गए। मैं फ्री हूँ, फ्री होकर सारा काम कर लेती हूँ। ये सब सब मैंने कर लिया है, थोड़ा सा बस बाकी है। देखिए वही बाकी है, वही करना है हमको। उसके बाद ना कर लूँगी। सबका सुनना ही पड़ता है, मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मन नहीं कर रहा था करने के लिए। लेकिन माता जी बोल रही हैं कि कर लेना, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है तो चार लोग का सुनना भी चाहिए, अपने मन का नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग अच्छे ही बात करते हैं, कुछ लोग अच्छे बुरे भी बात करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग बात करते हैं उनका भी सुनना चाहिए, बुरे लोग का बात नहीं सुनना चाहिए। तो मैं बोली ठीक है, ठीक ही बोल रही है, कर लेना चाहिए। क्योंकि सब लोग यही बोलेगा, मुंह पे पॉलिश रहता है, चमकती धमकती रहती है। और घर सही बात है, घर बाहर कितना गंदा रखती है घर। सभी लोग हम लोग भी कहते हैं कि घर अच्छा नहीं रहता है, फैशन से रहती है, कहते हैं ना वो ना। आप लोग घर कहते होंगे ना, यही होता है सबके घर होता है हर जगह। क्या है कि मतलब क्योंकि ये जो हम लोग हैं, हर एक ही एक दिमाग के सब लोग होते हैं, हर जगह एक ही बात होता है। चाहे कोई कोई भी देश हो या गांव हो, गांव में तो ज़रूर होता होगा, और जगह तो नहीं जानती, गांव में होता है। और तो इसलिए मुझे करना पड़ा ये, तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि गोबर से पोताई मिट्टी और गोबर एक मिक्स करके मैं पोछती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ गोबर नहीं, क्योंकि महकता है तो इस कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा पूरा हो गया है सब काम, यही कर लूँगी तो समझिए सब काम हो गया मेरा। और ये हमारे भोले भंडारी यहाँ बैठे हैं। बाहर जाऊँगी नहीं क्योंकि सर पे पल्लू कुछ रखी नहीं हूँ, तो अंदर ही से ही ये सब पुताई कर लूँ। तो सबका सुनना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि 10 लोग 10 तरह के बात करते हैं। और क्या कोई बोल दे क्या नहीं बोल दे, तो अपने हिसाब से ही रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे करना पड़ा। अब तो यही पड़ेगा, खिचड़ी के दिन 14 या 15 जनवरी को, और ठंड भी बढ़ेगी उसी तरह से। और थोड़ा धूप हो रहा है तो ठंड नहीं जना रहा है, नहीं लग रहा है कि ठंड है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, रखती हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और देखिए उसमें भी जो दिख रहा है ना, उसमें भी सफाई करनी है, झाड़ना जोड़ना है, और मुझे नहाना है। मैं ऐसे कभी दिखती हूँ आप लोग को? नहीं ना, ऐसे कभी नहीं दिखती हूँ। ओके बाय, मैं जा रही हूँ अब, कि मेरा सब ये काम हो गया। दुपट्टा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी बाहर। ओके बाय।